हेलो व्यूअर्स आज हम कक्षा नब्बी के इंग्लिश विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में हम बिहाइव के टेक्स्ट बुक के प्रोस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रोस सेक्शन के ये सारे प्रश्न यदि आप तैयारी कर लोगे तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सारे आप कर सकोगे तो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी इंग्लिश की और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा नब्बे की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यहाँ पहला प्रश्न दे रखा है वार डिट मार्जी राइट इन हर डायरी तो इसका आंसर है मार्जी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक डेट टॉमी हैड फाउंड मार्जी ने रियल बुक के बारे में लिखा था जो कि टॉमी को मिली थी अगला है वाट इज ए टैली बुक वाट इज ए टैली बुक तो इसका आंसर है ए टैली बुक इज ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन ए टैली बुक इज ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन इसके बाद अगला प्रश्न है वाट काइंड ऑफ टीचर्स डिट मार्जिन टॉमी हैव मार्जी और टोमी के पास किस प्रकार के टीचर थे तो इसका आंसर है मार्जी एंड टोमी हैड मैकेनिकल टीचर्स उनके पास मैकेनिकल टीचर्स थे दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आक्सड अगला है हाउ ओल्ड आर एवलिन वेन शी वैन टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जब वो गई थी तब उसकी उम्र क्या थी यह हमें पूछा है तो इसका आंसर है वेन एवलिन वेंट देयर शी शिवास अराउंड सेवनटीन ईयर्स ओल्ड जब एवलिन वहाँ गई थी तो लगभग सत्रह वर्ष की थी अगला है वैनवास एवलिनस डिफनेस नोटिस्ड एवलिन की डिफनेस कब नोटिस हुई तो इसका आंसर है एवलिनस डिफनेस वास नोटिस्ड When she was eight years old, जब वह वर्ष की थी अगला है who helped Aveline टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक म्यूजिक को सीखने में उसकी मदद किसने करी थी एवलिन की तो इसका आंसर है रोन फॉप्स रोन फॉप्स helped एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक तो यहाँ पे हु के स्थान पर केवल हमें रोन फॉप्स ही याद करना है बाकी आंसर वैसा ही हो जाएगा इसके बाद अगला है हाउ डिड एवलिन hear म्यूजिक एवलिन संगीत को कैसे सीखती थी या एवलिन संगीत को कैसे hear मतलब कैसे सुनती थी कैसे सुन पाती थी इसका आंसर है एवलिन heard म्यूजिक बायसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी शरीर के अलग अलग अंगों से जो है म्यूजिक को महसूस करती थी और इस प्रकार से वह उसको सुनती थी अगला है वाई डिट और बैन द प्लेंग ऑफ द पुंगी औरंगजेब ने पूंगी बचाने पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया था तो इसका आंसर है औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए स्ट्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड इसका जो जो संगीत था या इसकी जो आवाज़ थी वो अच्छी नहीं थी इसलिए उसने उस पर बैन लगा दिया था अगला है हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी शेनाई पुंगी से किस प्रकार अलग है तो इसका आंसर है शहनाई इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप विथ सेवन होल्स ऑन बॉडी शेनाई जो है पुंगी का एक अच्छा संस्करण है इम्प्रूव करके बनाया गया है इसको इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम इसमें एक जो प्राकृतिक खाली पाइप जैसा होता है जिसमें कि सेवन होल मतलब सात छेद होते हैं इसके बाद अगला है हु वेयर द पीपुल हु वेयर द पीपुल इन केजियाज फैमिली केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे तो इसका आंसर है द पीपुल्स इन केजियाज फैमिली वेयर केजिया हर फादर हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर केजिया के परिवार में केजिया उसके पिताजी उसकी माँ और उसकी दादी थे अखला है वाई वास केजिया अ फ्रेड ऑफ हर फादर केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी तो इसका आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव केजिया अपने पिताजी से डरती थी क्योंकि वह उससे कभी प्रेम से प्यार से बात नहीं करते थे इसके बाद अगला है वार डिट आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस वार डिट आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पैटेंट ऑफ द ऑफिस इसका आंसर है आइंस्टीन कार्ल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स आइंस्टीन ने अपने डेस्क के ड्रॉर को कहा था ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स इसके बाद अगला है वैर वास अब्दुल कलाम हाउस अब्दुल कलाम का घर कहाँ था तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम सा हाउस वास ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में था इसके बाद अगला है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस कलाम ने अपनी प्रथम जो मजदूरी कैसे प्राप्त करी थी तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन अपने कजिन की मदद करके उन्होंने पाई थी इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स तो इसका आंसर है फर्स्ट शी बिगैन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज फर्स्ट शी बिगैन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज देन शी टुक एडमिशन इन उत्तर काशीस इंस्टीट्यूट माउंटरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटरिंग ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरिंग में उसने फिर एडमिशन लिया था इसके बाद अगला है वाट शोज संतोष कॉन्सर्न फॉर इन्वायरमेंट तो इसका आंसर है वेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट जब वह वापस माउंट एवरेस्ट से आई शी हैट कलेक्ट फाइव हंड्रेड किलोग्राम ऑफ गार्बेज शी हैट कलेक्टेड फाइव हंड्रेड किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयास उसने पाँच सौ किलो का जो कचरा है हिमालयास से इकट्ठा किया था शी वांटेड टू कीप इट क्लीन और वह इसे साफ करना चाहती थी इसके बाद अगला है हु इज शारापोवा तो इसका आंसर है मारिया शारापो इज ए रशियन टेनिस प्लेयर मारिया शारापोआ संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल वाईवास संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल तो इसका आंसर है शिवास सेंट टू द लोकल स्कूल ड्यू टू द

और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके बाद अगला है हु वास ब्रूनो हु वास ब्रूनो तो इसका आंसर होगा ब्रूनो वाज ए बेबी बियर ब्रूनो वाज ए बेबी बियर अगला है नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडो नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू तो इसका आंसर है द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ नाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूप द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूप इसके बाद अगला है वाटवास गिराड्स प्रोफेशन गिराड़ इज ए ड्रामा सििस्ट जो था एक ड्रामासिस्ट था नाटककार था और यही इसका प्रोफेशन था तो इस प्रकार हमने बिहाइव के आपकी जो बिहाइव बुक है उसके प्रोस सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इसके बाद पोइट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नब्बे की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए